कि रथ यात्रा क्यों होती है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि उल्टी रथ यात्रा क्यों होती है। उल्टी रथ यात्रा होती है तो उसमें क्या महाप्रभु भाग लेते थे? अगर लेते थे महाप्रभु उसमें भाग लेते थे तो उनका भाव क्या रहता था? तो रथ यात्रा क्यों होती है तो उत्तर आता है कि जब भगवान श्री कृष्ण बलराम सभी लोग कुरुक्षेत्र गए ग्रहण में वहाँ स्नान करने के लिए, तो वहाँ पर सभी भक्तों को पता चला, ब्रजवासियों को भी पता चला, तो ब्रजवासी वहाँ कृष्ण से मिलने पहुँचे और गोपियाँ भी पहुँची। तो गोपियों ने कृष्ण को वहाँ पे पाया और उनके जो इतने लंबे समय से जो विरह की वेदना थी वो शांत हुई कि कृष्ण हमको मिले, इतने समय से वो गए हुए थे, कह के गए थे कि हम आएंगे पर आए नहीं। तो वो कृष्ण से इतने लंबे समय के बाद मिलने का असीम उत्साह हुआ, और साथ ही चूँकि अचानक से मिले थे तो और ज़्यादा उत्साह था। लेकिन वो जो उनके माधुर्यता का जो दिव्य आनंद है वो उस चरम सीमा तक जो उन्हें प्राप्त होना चाहिए वो नहीं हो रहा था। तो राधा रानी और गोपियाँ कहती कि हे कृष्ण, आप भी वही हैं, हम भी वही हैं, लेकिन हमें वो दिव्य आनंद नहीं मिल रहा है मिलन का। क्यों? क्योंकि ये धाम, ये जगह, ये वृंदावन नहीं है, ये तो कुरुक्षेत्र है, ये तो रण की जगह है, ये रमण की जगह नहीं है। वृंदावन में रमण होता है, वृंदावन में विहार होता है, तो आइए आप वृंदावन चलिए। तो इस भाव से कृष्ण को खींच के वृंदावन ले जा रहे हैं, यही रथ यात्रा है। तो भक्त भी रथ यात्रा मनाते हैं और कृष्ण को खींच के अपने हृदय में लाते हैं। कहते हैं कि जो रथ यात्रा की रस्सी को एक बार खींचता है और इस भाव से कि हे कृष्ण आइए मेरे हृदय में, वे बैठ जाइए, विराजमान हो जाइए, कृष्ण ये बात हमेशा याद रखते हैं कि एक दिन तुमने प्रयास किया था मुझे खींचने का, और कृष्ण उसी प्रयास के बदले में हमें अपने धाम में खींचते हैं, हमें अपनी सेवा में खींचते हैं, हमें अपने धाम में आनंद में लीलाओं में हमें लगाते हैं। तो ये रथ यात्रा का महत्व है।